तो आज हम डायनेमिक चैट ऐप का पार्ट 11 देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में दो इश्यूज देखे थे। वो दो इश्यूज हैं हमारे, एक तो हमारा लोड नहीं हो रहे थे ओल्ड चैट्स, ठीक है, तो हम यहाँ पर ओल्ड चैट्स जो हैं उनको लोड कराएंगे। एंड देन जो हमारा कंटेनर था वो रिफ्रेश नहीं होता था, ठीक है, जो किसी यूजर ने चैट कर ली तो वो हमारा कंटेनर दोबारा से रिफ्रेश नहीं हो रहा था सभी यूजर्स के लिए, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो सेकंड वाला इशू है, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इशू क्या है। हालांकि ओल्ड चैट्स लोड ओल्ड चैट से तो आप समझ चुके हो ये इशू, पर आपको ये शायद याद ना हो तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको पता है कि ये हमारी ओल्ड चैट्स डली हुई हैं, मतलब डेटाबेस के अंदर शो हो रही, मतलब डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड हैं, बट यहाँ पर अभी शो नहीं होंगी। मैंने राहुल से कुछ चैट्स की थी जो कि शो नहीं हो रही हैं, ठीक है, एंड आदित्य से भी मैंने कुछ चैट्स की थी, अभी यहाँ पर ब्लैंक ही आ रहा है, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए मैं दूसरा वाला जो सिनेरियो है उसको अकर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक और यूजर से जो है लॉग इन कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है मान के चलिए राहुल नेम का यूजर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर लॉग इन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये लॉग इन हुआ और यहाँ पर ये ऑनलाइन भी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि नेट स्लो है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो संदीप है ये राहुल के साथ चैट करना है, ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका जो कंटेनर है वो ये है राहुल के साथ, एंड ये संदीप के साथ चैटिंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि इशू क्या है हमारा, जो कि हमारा आ रहा था बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से मैं कुछ मैसेज डालता हूँ, मैंने डाला हाय ऑन 08, मतलब आज की डेट डाल दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए 2023, ठीक है। तो हाय ऑन, ठीक है, मैंने ये डाला, अभी प्रॉपर चैट हो रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन ठीक है प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। बट बाय द वे मान के चलिए ये जो संदीप वाला था ये राहुल के साथ चैट कर रहा था, जिसने यहाँ से मैसेज डाला हाय ऑन ये समथिंग, ठीक है। बट ये जैसे ही आदित्य पर क्लिक करता है, बट यहाँ पर कंटेनर देख पा रहे हो रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ये इशू था हमारा, ठीक है। तो ये हम इशूज को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं बात कर लेता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ से, इसको जो है लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑफलाइन हो चुका है यूजर, ठीक है, एंड इसको थोड़ा हम बिग कर लेते हैं, और यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हमें ओल्ड चेस्ट को लोड कराना है, ठीक है। सबसे पहले तो क्लोज करता हूँ मैं इसको, और सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड डॉट ईजेएस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ बेसिकली एक कमेंट में क्वेश्चन आया था कि क्या हम ये स्क्रिप्ट को मतलब एक न्यू फाइल में नहीं रख सकते हैं, रख सकते हो, ऑब्वियसली बात है, जैसे हम स्क्रिप्ट को अलग फाइल बना लो, यहाँ पर पब्लिक के अंदर बना सकते हो, ठीक है, पब्लिक जीएस के अंदर आप अपनी कस्टम फाइल एंड देन उसको इम्पोर्ट करा लो अपने हेडर के अंदर, ठीक है। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, पर मैं यहीं पर यूज कर रहा हूँ, ये आप कर लीजिएगा, आई होप आप इतने तो होशियार होंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ ओल्ड चैट्स लोड कब हो, मैं जैसे ही मान के चलिए मैं आदित्य पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरी आदित्य पर जैसे क्लिक हुआ तो तुरंत यहाँ पर जो भी मेरी आदित्य और संदीप के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई है वो मेरी यहाँ पर लोड होनी चाहिए, ठीक है। एंड जैसे ही मैं राहुल पर क्लिक करता हूँ तो संदीप एंड राहुल के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई है वो यहाँ पर शो होनी चाहिए तुरंत की तुरंत, ठीक है, हम वेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक कर रहे थे यूजर लिस्ट, जो कि ये बेसिकली हमारा ये एलआई है पूरा का पूरा, इस पर हम क्लिक कर रहे थे, तभी हमें क्या करना है, एक इवेंट जो है फायर करवाना होगा, ठीक है, इवेंट फायर कराना होगा यूजिंग सॉकेट आईओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सॉकेट डॉट एमिट, यहाँ पर जो है मैं एक इवेंट क्रिएट कर रहा हूँ एंड देन वो फायर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं मैंने यहाँ पर नेम रख लिया एग्जिस्ट चैट, ठीक है, मतलब जो चैट एग्जिस्ट करती हैं उनको लोड कराने का काम करेगा ये बेसिकली ये जो इवेंट है, ठीक है। इसमें मैं यहाँ से कुछ डेटा भेजूंगा, अभी आपको पता है कि यहाँ पर सेंडर आईडी एंड आपका रिसीवर आईडी जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बेस पर हम चैट को रिसीव कर पाएंगे, मतलब लोड करा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कि यहाँ पर सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी के अंदर हमारे बेसिकली सेंडर आईडी के अंदर जो है हमारी आईडी होगी जो करंट यूजर लॉग इन है, रिसीवर में वो आईडी होगी जिस पर मैंने अभी क्लिक किया है, जो यहाँ पर क्लिक किया ना, जैसे राहुल पर क्लिक किया या आदित्य पर क्लिक किया, तुरंत उसकी आईडी जो है स्टोर हो चुकी है रिसीवर आईडी में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये रही, ठीक है। तो यहाँ से मैं भेज देता हूँ सेंडर आईडी कॉलन सेंडर आईडी, ठीक है, एंड सॉरी कॉमा रिसीवर आईडी एंड रिसीवर आईडी, ठीक है। तो यहाँ से ये मैंने भेज दिए हैं, ठीक है, ये मेरा एक इवेंट हिट हो रहा है, यहाँ से फायर हो रहा है, ठीक है। अब इस नेम को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐप डॉट जे एस मीन्स सर्वर पर मेरे को ये कैच करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, एंड यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं जो है अपना मॉडल जो है यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, ठीक है,
लाइक मैं चैट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, रिक्वायर कर लेते हैं हम अपना मॉड्यूल, जो हमारा कस्टम मॉड्यूल जो कि बेसिकली हमारा मॉडल है, ठीक है। तो डॉट मॉडल्स एंड हमारा चैट मॉडल, क्योंकि मेरे को चैट इसमें से लेनी होंगी, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस से तो मेरा कन्वर्सेशन चलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं कमेंट लिखता हूँ लाइक लोड ओल्ड चैट्स, ठीक है। एंड यहाँ पर हम करने वाले हैं सॉकेट डॉट ऑन, और जो हमारा इवेंट का नेम है वो है हमारा एग्जिस्ट चैट, ठीक है। तो यहाँ पर ये यह हमारा फाइल, मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली कैच कर रहे हैं। अब इसके पास बेसिकली एक फंक्शन होगा, फंक्शन के अंदर बेसिकली हमारा डेटा आ रहा होगा, ठीक है, मीन्स की सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी आ रही होगी, तो उसको हमें यहाँ पर गेट कर लेना है। तो हम डेटा नाम का वेरिएबल यहाँ पर रख लिया, आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर चैट मॉडल का यूज करना है। अब देखिए गाइज, यहाँ पर देखिए आपके पास और कंडीशन लगने वाली है, ठीक है। देखिए जब संदीप ने राहुल पर क्लिक किया, तो देखिए संदीप यहाँ पर सेंडर आईडी और राहुल रिसीवर आईडी हुआ, ठीक है। बट यहाँ पर जो हमारी चैट्स लोड होने वाली हैं, वो दोनों की कन्वर्सेशन की लोड होने वाली है। यहाँ पर मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि सेंडर आईडी बेसिकली मेरी हो और रिसीवर आईडी राहुल की हो, मतलब दोनों का उल्टा हो सकता है, मतलब अपोजिट भी हो सकता है कि यहाँ पर सेंडर आईडी राहुल की भी हो सकती है और रिसीवर आईडी मेरी हो सकती है, बट हम दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। लाइक मैं थोड़ा और डीपली बता दूं कि लाइक मान के चलिए ये जो सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी है, तो सेंडर आईडी यहाँ पर मान के चलिए संदीप की थी, ये राहुल की थी, ठीक है। बट जब जो राहुल संदीप को करेगा तो यहाँ पर राहुल की आएगी और यहाँ पर संदीप की आएगी, तो मैं यहाँ पर दोनों का कन्वर्सेशन मतलब और करके मैं यहाँ पर कंडीशन लगाने वाला हूँ, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये था। तो चैट डॉट फाइंड, आई थिंक मैंने चैट ही बनाया हुआ है, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, चैट चैट डॉट फाइंड। एंड मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, बेसिकली गाइस और का यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम और का कैसे यूज करते हैं, हमें सबसे पहले लिखना होता है और डॉलर और, ठीक है। एंड देन एरे के अंदर हमें जो है वैल्यूज पास कर देनी है, ठीक है, लाइक मतलब एज एन ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर पास करना है अपना, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट में पास करोगे लाइक सेंडर आईडी, सेंडर आईडी कॉलन, आपने सेंडर आईडी जो है बेसिकली कहाँ से आ रही है, बेसिकली आपके डेटा डॉट सेंडर आईडी, ठीक है। देखिए ये जो डेटा आ रहा है ना, इसमें से मैंने सेंडर आईडी निकाली, क्योंकि मैंने यहाँ से भेजी है ना ये वाली सेंडर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं ऐसे गेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पर मेरे को रिसीवर आईडी एंड रिसीवर आईडी कॉलन डेटा डॉट रिसीवर आईडी, ठीक है। तो ये हो गया, एक तो मेरी कंडीशन ये लग चुकी है कि सेंडर आईडी वो सेंडर आईडी होनी चाहिए जो मेरी थी, ठीक है, और रिसीवर आईडी जो कि मेरे जिसके साथ मैं अनदर डिस्टेंस यूजर जो था उसके साथ चैट कर रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर ये भी केस हो सकता है कि उसने मेरे को मैसेज सेंड किया हो, तो उस केस में भी मेरे को यहाँ पर करना है, तो मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है। बट यहाँ पर मैं थोड़ा नेमिंग चेंज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको रिसीवर और इसको कर दूंगा मैं यहाँ पर सेंडर, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन जो बना है और करके हमने जो कंडीशन लगाई उसके बेस पर हमें चैटिंग मिल जाएंगी, चैट्स मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पर अवेट का यूज करेंगे, और ध्यान रखिए जब हम अवेट यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर असिंक लगाना होगा अपने फंक्शन के सामने, वरना आपको एरर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ वेर चैट्स करके, वेर चैट्स, जिसमें आपकी चैट्स आ चुकी हैं, जो भी आपकी चैट्स हुई होंगी। अगर नहीं भी आएंगी तो आपकी लेंथ तो आएगी ही, वो जीरो हम चेक करेंगे अभी ईजीएस में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरे पास ये जो चैट्स आई, इनको मैं यहाँ से एक इवेंट यहाँ से तुरंत फायर करूंगा, जो कि फ्रंट एंड साइड पर कैच होगा, ठीक है। तो सॉकेट मीन्स क्लाइंट साइड पर, ठीक है, सॉकेट डॉट एमिट। देखिए सबसे पहले तो मैंने क्लाइंट साइड से इवेंट फायर किया था, यहाँ पर कैच किया था, अब यहाँ पर जो उसका काम हो गया, तो यहाँ पर यहाँ से एक इवेंट फायर होगा और क्लाइंट साइड पर कैच होगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, एक इवेंट फायर करता हूँ जिसका नेम रहेगा लोड चैट करके, ठीक है, लाइक लोड चैट्स, ठीक है, समथिंग ऐसा नेम रख लिया, आप कुछ भी रख सकते हो। एंड यहाँ पर मैं एक डेटा भेजूंगा अपना, कैसे डेटा भेजूंगा, मैं यहाँ पर रखूंगा लाइक चैट्स, सॉरी चैट्स में मेरा क्या होगा, बेसिकली ये जो चैट्स नाम का वेरिएबल है इसको मैं इसके अंदर पास कर दूंगा, मीन्स इसमें जो है मेरी चैट्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इवेंट फायर हो चुका है, जैसे ये एग्जिस्ट चैट चला और इसने सारी चैट निकाली और फिर इसने ये वाला इवेंट फायर कर दिया, ठीक है। इसको अब हमें कैच करना होगा अपने क्लाइंट साइड पर, ठीक है। तो क्लाइंट साइड पर नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ लाइक लोड लाइक समथिंग ओल्ड चैट्स, ठीक है। एंड यहाँ पर भी हमें सॉकेट डॉट ऑन एंड देन इवेंट नेम इज, जिसको हमें कैच करना है वो है हमारा लोड चैट्स, ठीक है। फंक्शन में डेटा आ रहा है आपका, डेटा में आपकी चैट्स आ रही होंगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कंडीशन लगा के चेक करना होगा प्रॉपर कि चैट्स अवेलेबल भी हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हमें सारी केसेस जो है यहाँ पर हैंडल करने हैं, ठीक है। अब लाइक मान के चलिए
बेसिकली आपके पास यहाँ पर कैच हो चुका है ये। अब सबसे पहले देखिए, मैंने जैसा कि बताया आपको, जो हमारी लोड चैट्स, तो हमारा फर्स्ट सिनेरियो था जिसमें हमें फर्स्ट ये इशू फिक्स करना था। बट जो सेकंड थिंग थी कि हम यहाँ पर जो कंटेनर था वो हमारा रिफ्रेश नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कोई इस पर क्लिक करता है तो हम क्या करेंगे, कंटेनर को रिफ्रेश करेंगे जैसे ही, या फिर मान के चलिए यहाँ पर इसकी चैट्स लोड हो चुकी हैं, ठीक है, या चैट कर रहा था। जैसे मैं आदित्य पर क्लिक करता हूँ, ये मेरा सेम ही कंटेनर था, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें ऑलरेडी चैट्स होंगी, तो मेरे को इसको क्लीन करना होगा, ठीक है, मतलब इसको एम्प्टी करना होगा, तब मैं आदित्य की चैट्स को लोड कराऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता ही है कि मैं यहाँ पर चैट कंटेनर को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चैट कंटेनर डॉट यहाँ पर इसकी HTML में जो है हम कर देंगे एम्प्टी, ठीक है। जब कोई मतलब क्लिक हुआ होगा तो न्यू ओल्ड चैट्स आएंगी उसकी, तो ये एक ही टाइम पर चलेगा जब आप एक बार फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, चैट कंटेनर के अंदर जितनी भी HTML थी वो सारी एम्प्टी कर दी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना आगे वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो डेटा है उसमें से हम चैट्स नाम की की निकाल लेते हैं। चैट्स नाम की की में हमारा क्या है, बेसिकली ये आप देखोगे यहाँ पर चैट्स नाम की की में हमारे चैट्स, ठीक है। तो इसको हम रख लेते हैं एक वेरिएबल में, लाइक मैंने रख लिया यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया चैट्स करके, ठीक है, चैट्स करके, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ HTML करके, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अब मैं चैट्स को लोड कराने वाला हूँ, कितनी भी चैट्स हो सकती हैं, तो आपको पता है यहाँ पर लूप चलने वाला है। एंड यहाँ पर देखिए ये लूप जो है चलेगा आपका यहाँ से, बेसिकली हमें डॉट लेंथ चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि लूप आपका उतना ही चलेगा जितना आपकी लेंथ होगी। अगर जीरो लेंथ है तो लूप चलेगा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स हम चलाएंगे ग्रेटर देन सॉरी लेस देन कहाँ तक, चैट्स डॉट लेंथ तक, ठीक है। अब मान के चलिए इसकी लेंथ आती है जीरो, तो ऑब्वियसली बात है लूप चलेगा नहीं, तो कोई एरर भी नहीं आएगी आपको, ठीक है। एंड एक्स प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमने काम कर दिया। अब हमें करना है क्या, बेसिकली HTML के अंदर हमें अपेंड कराते जाना है बेसिकली चैटिंग को। और ये भी ध्यान रखना है गाइस कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम यहाँ पर ये क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कि डिस्टेंस यूजर चैट हमें कब यूज करनी है और हमें करंट यूजर चैट हमें कब यूज करनी है क्लास, ठीक है। करंट यूजर चैट मीन्स की जो लॉग इन है यूजर, तो उसकी जो चैट्स हैं वो बेसिकली लेफ्ट साइड पर आएंगी, और जो डिस्टेंस यूजर है मीन्स की राहुल और जो आदित्य पर मैं क्लिक करूंगा, उनकी जो चैट्स होंगी वो मेरे लेफ्ट साइड पर आएंगी, ठीक है। बट जो मेरी चैट्स होंगी वो मेरे राइट साइड पर आएंगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर चेक लगा करके चलना होगा इस फोर लूप के अंदर। तो कैसे चेक लगाना है, उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर HTML को अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट एड क्लास करके, ठीक है, एड क्लास करके, जिसको मैं स्टार्टिंग में रख लेता हूँ एम्प्टी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ इफ बेसिकली चैट्स, चैट्स के अंदर जो एक्स चल रहा है, ठीक है। अब एक्स के अंदर जो सेंडर आईडी है, बेसिकली आपको पता है डेटाबेस में ये जो सेंडर आईडी है वो अगर करंट यूजर से मतलब मैच करती है, लाइक मान के चलिए यहाँ पर जो है सॉरी इसकी जो सेंडर आईडी वो इक्वल इक्वल है आपकी किससे, सेंडर आईडी जो कि आपके पता है ग्लोबल वेरिएबल में जो कि आपने यहाँ पर स्टोर कराई हुई ना, ये रही, ठीक है, ये जो है सेंडर आईडी आपकी ये रही, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर ठीक है प्रॉपर है कि चैट्स एक्स बेसिकली एक्स जो आपका वो चल रहा है, सेंडर आईडी अगर इक्वल इक्वल होती है करंट यूजर जो लॉग इन है, तो आपको पता है करंट यूजर की चैट जो है यहाँ पर शो होगी। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इस एड क्लास नाम के जो वेरिएबल में है क्या लिख दोगे, यहाँ पर लिख दिया आपने लाइक करंट यूजर चैट, ठीक है, करंट यूजर चैट मैंने लिख दिया। अब एल्स में आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे एड क्लास को डिस्टेंस यूजर चैट, ठीक है। तो ये आपका क्लास का इशू जो था वो फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो क्लास का इशू तो हमने फिक्स करा दिया, अब हमारी बात ये आ जाती है HTML को कंकेटिनेट करने की। मतलब मैं प्लस इक्वल करके चलूंगा, क्योंकि आपको पता है कंकेटिनेट करके चलनी होगी हमें चैटिंग, ठीक है, वरना आपको एक ही लास्ट की चैट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंकेटिनेट करके चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा बेसिकली एक डिव बन रहा है, जो कि आपको पता होगा इस तरीके से हमारा डिव बन रहा है जिसमें हमारा H5 रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेम डालता हूँ। अब आप क्या बोल रहे हो, आप क्या ये समझ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्लास को क्या ऐसे डाल दूंगा, ऐसे नहीं डालना, हमें अपना वेरिएबल यूज करना है। एंड जो हमारा वेरिएबल नेम है वो है हमारा बेसिकली बेसिकली गाइस स्टॉप करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग चल चुका है एक, तो सॉरी गाइज वो डिस्टरबेंस हो चुका था, मोबाइल में गाना लग गया था, ठीक है, तो सॉरी, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जो हमें क्लास ऐड करनी थी, तो हम कैसे ऐड करेंगे,
इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर कंकेटिनेट कर देता हूँ। क्या कंकेटिनेट करूँगा, ऐड क्लास नाम का अपना वेरिएबल, ठीक है। तो जो भी क्लास होगी वो हमारा यहाँ पर चली जाएगी, और ये जो डेटा डॉट मैसेज है इसको हटा करके हम यहाँ पर करने वाले हैं बेसिकली चैट्स के अंदर जो आपका एक्स चल रहा है, ठीक है, ठीक है। एंड आपका मैसेज नाम की जो की है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड ये आपका हो चुका है, ठीक है, मतलब जो भी होगा लूपिंग के अंदर चलता जाएगा। लास्ट में आ जाएंगे हम लूप से बाहर, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली चैट कंटेनर के अंदर अपना लोड मतलब अपेंड करा देंगे एचटीएमएल को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना एचटीएमएल वेरिएबल पास कर दिया है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे जो भी मैंने किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एम्प्टी किया था, फिर मेरी लोड चैट्स हुई, प्रॉपर हुआ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैंने लास्ट में क्या किया, अपेंड कर दिया अपना एचटीएमएल, ठीक है। तो अब हमारी बारी है इसको टेस्टिंग करने की, तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसी को लॉगिन कर लेता हूँ, अभी हम दूसरे को लॉगिन बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पर मेरी राहुल से कितनी चैट्स हुई हैं, अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तब मेरे को पता चल जाएगा। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर हाई जो मेरे बेसिकली लास्ट लेक्चर में हुआ था, बट मैंने आज जो किया हुआ है ये था मैसेज, ठीक है। हाई ऑन टू ये डाला था ना, जो अभी आपकी आंखों के सामने, ठीक है। एंड जैसे मैं आदित्य पर क्लिक करता हूँ, देख सकते हो कंटेनर रिफ्रेश हुआ और यहाँ पर आ रहा है हेलो, हाय संदीप, जो भी इस इन दोनों के बीच में जो भी चैटिंग हुई होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है आदित्य को लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम इश्यूज चेक कर लेते हैं बेसिकली प्रॉपर। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ, एंड यहाँ पर अपन बेसिकली आदित्य से लॉगिन करेंगे, या आप किसी से भी लॉगिन कर सकते हो। मैं चलो 3 4 5 मतलब सभी को लॉगिन कर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और को भी लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये तो मेरे को दूसरे वाले ब्राउजर में करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरा एक क्रोम चल रहा है तो बिजी है, ठीक है। तो चलिए, जब तक मेरा यहाँ पर जो है आदित्य लॉगिन है और ये भी मेरा ओपन हो चुका है, तो मेरा क्रोम बेसिकली वो है फायरफॉक्स, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, दूसरे बंदे को भी रख लेता हूँ, और इसको थोड़ा यहाँ पर बेसिकली अब हमारा रहता है एक ही यूज़र जो कि है राहुल। तो यहाँ पर राहुल @gmail.com, एंड इसका जो पासवर्ड है वो मैंने डाला, लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली आ जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर चल रहा है यहाँ पर सभी का काम, ठीक है, मतलब प्रॉपर चल रहा है, सभी के पास ऑनलाइन ऑनलाइन स्टेटस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आई है, यहाँ पर ऑफलाइन एक का आ रहा है, ये बेसिकली यहाँ पर राहुल इसका ऑनलाइन है कहीं। एक बार हम क्या करते हैं, दोबारा ऑनलाइन करते हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पर बेसिकली क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसको चेक करना पड़ेगा मेरे को यहाँ। हाँ सॉरी गाइस, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो पता नहीं, बेसिकली हाँ मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा नेट का इशू है उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है सॉकेट को कैच करने में, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों बंदे लॉग इन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ इन दोनों के बारे में, किसने राहुल के साथ ओपन किया चैट, सॉरी आदित्य के साथ, ठीक है। तो ये आदित्य की चैट्स हैं जो कि यहाँ पर देखोगे इस वाले ब्राउजर के अंदर, अगर मैं ये बेसिकली आदित्य लॉगिन है और ये संदीप के साथ चैटिंग देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, ये बेसिकली संदीप ने भेजी थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हेलो हाय संदीप हाय आदित्य, एंड देन यहाँ पर भी मैंने कुछ इस तरीके से मैसेजेस भेजे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रॉपर लोड हो पा रहे हैं और इसके तरफ भी प्रॉपर लोड हो पा रहे हैं। यहाँ से कुछ और मैसेज भी भेजने की कोशिश करते हैं, हाय टुडे कर देता हूँ, हाय टुडे आदित्य, ठीक है। एंड सेंड मैसेज किया मैंने यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर एक इशू और आपको देखने को मिल रहा है कि मेरे को यहाँ पर ना स्क्रॉल बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ठीक है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर देख पा रहे हो हाय टुडे आदित्य आ चुका है, हाय टुडे संदीप, ठीक है। और यहाँ पर इसको ये मैसेज करता है, देख सकते हो ये थोड़ा स्क्रॉल का इशू आ रहा है कि मेरे को बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। ये कैसे हम स्क्रॉल को फिक्स कर सकते हैं, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ पर देख पा रहे हो प्रॉपर चैटिंग हो पा रही है, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए ये संदीप लॉगिन था, अब ये यहाँ पर राहुल की देखता है चैटिंग, ठीक है। और यहाँ पर ये देखता है बेसिकली ये संदीप के साथ तो देख ही रहा था, राहुल के अगर साथ चेक करे तो इसकी कोई चैट नहीं थी राहुल के साथ, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए ये जो आदित्य नाम का जो यूजर था, ये जो आदित्य नाम का यूजर था, ये अब राहुल को चैट करने को ट्राई करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो ये किसके साथ बैठा हुआ है, ये संदीप के साथ बैठा हुआ है, ये संदीप के साथ चैट कर रहा था, ठीक है। बट मान के चलिए इसने कुछ मैसेज किया है, जो कि अभी इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन नहीं चली हुई, ठीक है।
अगर यहाँ पर देखा जाए आदित्य के साथ इसकी कोई चैट नहीं है, बट संदीप के साथ इसकी चैट नहीं, ठीक है। अब यहाँ से ये बोलता है हाय राहुल, ठीक है, यहाँ से ये मैसेज कर रहा है, बट यहाँ पर देख पा रहे हो अभी आदित्य के पास जैसे ही मैं जाऊंगा, और यहाँ पर देख पा रहे हो हाय राहुल आ रहा है, क्योंकि इसकी चैट जो है लोड हो चुकी है, ठीक है, दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर ये मैसेज करता है, इसने बेसिकली इसने ही सेंड किया ना अभी तो, हाय राहुल, हाँ आदित्य ने किया है, एंड यहाँ पर करता है हाय आदित्य, ठीक है, और यहाँ से इसने सेंड किया, हाँ प्रॉपर चल रहा है, तो मतलब कन्वर्सेशन अब प्रॉपर चल रही है, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया है, और बिल्कुल परफेक्ट मतलब लॉजिक है हमारा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और बस हमारा जो एक इशू रह जाता है कि हमारा जो ये स्क्रॉल बार है ना, ये लास्ट में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप वगैरह में आपने देखा हो तो टॉप पर नहीं आती चैट्स, हमको करंट चैट लास्ट दिखता है, ठीक है। तो वही हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे इस स्क्रॉल बार को इशू फिक्स कर पाएंगे। लाइक अगर मैं यहाँ से कुछ भी सेंड करता हूँ हाई, तो यहाँ पर ये जो है मेरे को स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ठीक है, देखने को, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। बाकी जो आपको देख सकते हो यहाँ पर ऑफलाइन हो चुका है, मतलब ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाला तो खेल प्रॉपर चल रहा है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा नेट का इशू होता है, उस वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट आपका नेट तो फास्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हमें ये स्क्रॉल इशू फिक्स करना है, कि मतलब स्क्रॉल जो है लास्ट में ही आना चाहिए, तुरंत मैसेज होता है या क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए अगर आपको ये इशू फिक्स करवाना है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स देखेंगे जिसमें हमें चैट को जो है एडिट भी करना है, डिलीट भी करना है, अपडेट भी करना है, ठीक है, और जो भी होगा समथिंग वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे।